हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारा एयर एंड एटमॉस्फेयर क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन है, इसके दौरान कोई भी गाड़ी या कोई भी बस या कोई भी फैक्ट्री नहीं चल रही है, तो उससे पूरे वर्ल्ड में जो आजकल ये चर्चा हो रही है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्लीन होने लग गया है, तो आज मैं उसी के टॉपिक में आपसे बात करूँ। हमारा जो आप सभी जानते हैं कि हमारे जो पूरा एनवायरनमेंट है उसके उसमें पूरी एयर है, और जो हमारा अर्थ है उसके भी चारों ओर एक एयर का ब्लैंकेट है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसकी 5 लेयर्स होती हैं, जो कि है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि ट्रोपोस्फेयर क्या है। ये सबसे फर्स्ट लेयर है हमारे अर्थ की, जो सबसे क्लोजेस्ट है, मतलब सबसे ठीक अर्थ के सरफेस से लगी हुई है। उसके ठीक ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि ठीक ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होती है, और इसमें यूजुअली जो हमारे जो भी वो होते हैं ना, एयर एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जो भी हमारे एरोप्लेन्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं। और इसमें हमारी ओजोन लेयर भी है जो हमें सन से सन की अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करती है। इसके ठीक ऊपर आती है मीजोस्फेयर, जिसमें जो भी रॉक्स और जो भी डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे अर्थ तक पहुंचने से पहले इसी लेयर में बर्न हो जाते हैं। इसके ऊपर आती है थर्मोस्फेयर, जिसमें हमारी जो आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स होती है वो फ्लाई करती है, जैसे कि मैनमेड सैटेलाइट्स है वो सारी फ्लाई करती है। उसके ऊपर आती है एक्सोस्फेयर, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, मतलब लास्ट लेयर है। और अब हम बताएंगे कि हमारी अर्थ की कंपोजिशन क्या है। जब 18 सेंचुरी थी, तब के जो टाइम के लोग थे वो समझते थे कि जो हमारी एयर है वो प्योर सब्सटेंस है, मीन्स एकदम साफ हवा है। लेकिन अब जो जैसे जो हम आपके साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया है कि जो हमारी एयर है वो एक मिक्सचर है, मींस मतलब इसमें बहुत ढेर सारी अलग अलग गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इन गैसेस से मिलकर ये बनी है। और ये मिक्सचर कैसे है कि हम जो जो सिंपल फिजिकल मेथड होता है उसके द्वारा इसे सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग पार्ट्स में। और जो हमारी आप सभी जानते हैं कि जो हमारा वाटर होता है उसका भी हम एक फिजिकल जो स्पेसिफिक केमिकल फॉर्मूला होता है, जैसे कि H2O होता है, तो हम उसका स्पेसिफिक केमिकल फॉर्मूला तो बताते हैं, लेकिन जो हमारी एयर होती है उसका कोई भी स्पेसिफिक केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए ये एक मिक्सचर है। और अब मैं बताऊंगी जो हमारी एयर है उसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन है और इनकी परसेंटेज क्या है। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन है नाइट्रोजन, जिसकी परसेंटेज 78% है। दूसरा ऑक्सीजन, जिसकी जो परसेंटेज है वो 21% है। और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी परसेंटेज 0.04 है। और चौथा नोबल गैस, जिसकी परसेंटेज 0.94% है, मीन्स नोबल गैसेस मीन्स हेल, हीलियम, आर्गन, नियॉन। और उसके बाद आती है हमारी डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर, मतलब ये सब वेरिएबल गैस वेरिएबल्स हैं, मतलब जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और जो भी बॉडी कंटेंट होते हैं एयर में वो सब वेरिएबल होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी जो हमारी एयर है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मीन्स एयर किस किस चीज़ों के लिए हमारे लिए ज़रूरत होती है। तो हमारी जो एयर है सबसे पहले वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए तो ज़्यादा इसेंशियल नहीं होती, मीन्स ये ज़्यादातर इसेंशियल होती है लिविंग थिंग्स, मतलब हम ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनके लिए ज़्यादातर इसेंशियल होती है। तो जो पहली चीज़, हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए कैसे इसेंशियल होती है, जैसे कि हम प्रोसेस हमारी जो होती है सबसे, जो हमारी सांस अंदर लेने की, बाहर छोड़ने की, रेस्पिरेशन, तो उसमें सबसे ज़्यादा इस जिस जैसे ऑक्सीजन की जो जो एयर का कंटेंट है ऑक्सीजन, वो सबसे इसेंशियल होता है। मींस बिना ऑक्सीजन के हम सर्वाइव नहीं कर सकते। जो हमारी इनहेल, मतलब जो हम अंदर सांस ले रहे हैं जब, तो जो हमारी एयर होती है वो इनहेल्ड एयर कहलाती है, मतलब जो अंदर ली हुई एयर है, तो उसमें ज़्यादातर जो कॉन्टेंट्स है वो ऑक्सीजन के होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के भी होते हैं लेकिन वो कम कॉन्टेंट्स होते हैं। अब जो हमारी जो एक्सहेल्ड एयर है, मींस जो हमारी बाहर रिलीज करी हुई एयर है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेंट से ज्यादातर भरी होती है, मतलब उसमें बहुत ही कम मात्रा में, अगर बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन आ गई तो आ गई, नहीं तो ना के बराबर हो। अब मैं बताऊंगी कि जो हमारी एयर है वो हमारे प्लांट्स के लिए कैसे चीज है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे प्लांट्स प्लांट्स की भी एक फूड की प्रोसेस होती है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, तो इसी में जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड है जो कि एयर का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये बहुत इसेंशियल होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो जो प्लांट्स के फूड की जो प्रोसेस होती है उसको बनाने में बहुत हेल्प करता है। मींस जब जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्लोरोफिल होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, और उसमें सनलाइट भी जब सब चीजें मिक्स करके वर्क करती है, तो उससे क्या होता है जो प्लांट्स फूड बनाते हैं तो उसका जो फूड जब वो अपने अंदर लेते हैं वो ग्लूकोज के रूप में लेते हैं, मतलब जब अपने अंदर मतलब
वो करते हैं फिल, तो ग्लूकोज के रूप में होता है, और जो एक्सेस हो जाता है मीन्स जो बचा हुआ होता है तो वो स्टोर कर देते हैं उसे स्टार्च के रूप में। जैसे कि हम राइस खाते हैं वो भी एक स्टार्च ही है, जो प्लांट्स का स्टार्च होता है वो भी एक, मतलब जो राइस है वो एक हिसाब से स्टार्च है प्लांट्स। अब मैं बताऊंगी जो हमारी जो बर्निंग होती है, बर्निंग प्रोसेस, जैसे कि हम कोई भी चीज जला रहे हैं या बर्न कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस में भी जो एयर की ऑक्सीजन की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वो बहुत इसेंशियल होती है। मीन्स बिना ऑक्सीजन के हम कोई भी चीज बर्न नहीं कर सकते। एग्जाम्पल जैसे कि हम कोई भी कैंडल जलाते हैं, तो कैंडल जलाने के बाद अगर आप कोई भी कांच का ग्लास लेकर उसके ऊपर स्टोर कर देंगे, तो उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही आपने वो लगाया उसके बाद हमारी जो एयर में से ऑक्सीजन तो नहीं जा रही अंदर, इस वजह से जो हमारी जो कैंडल बर्न कर रही है वो बुझ जाएगी। क्योंकि इससे यही साबित होता है कि जो हमारी एयर है, सॉरी, एयर में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है, बिना उसके हमारे जो कोई भी चीज बर्न नहीं कर सकती। अब मैं बताऊंगी जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मीन्स मेनली प्रोटीन का न्यूट्रिएंट जो होता है, जो बच्चों के लिए बहुत इसेंशियल होता है, मींस उनके बॉडी बिल्डिंग फूड होता है वो, तो जो हमारा प्रोटीन का जो न्यूट्रिएंट है वो सारे हमारे नाइट्रोजन गैस है जो कि हमारे एयर में होती है, तो उसी से बनता है प्रोटीन। मतलब जो भी फूड्स में प्रोटीन होते हैं तो वो नाइट्रोजन गैस से बनते। अब मैं बताऊंगी कि अब जो आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में अब लॉकडाउन है, तो कोई भी गाड़ी वाड़ी नहीं चल रही है, तो वर्ल्ड में यही चर्चा है कि एयर पॉल्यूशन रुक रहा है। ये मैंने आपको पहले भी बताया। अब एयर पोल्यूशन रुक तो रहा है, लेकिन एयर पोल्यूशन है क्या? जो भी हमारे कोई भी हार्मफुल गैसेस या हार्मफुल सब्सटेंस अगर एयर में एंटर करती है, तो उसकी वजह से जो हमारी एयर होती है वो दूषित हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है, तो उसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि उसमें मोनोऑक्साइड गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसी जो कार्बन डाइऑक्साइड की गैसेस होती है वो, उनके भी अंदर की जो गैसेस होती है वो ज्यादातर रिलीज होती है, तो उससे जो हमारी एयर है वो बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। तो इसके मेन सोर्सेस क्या है? मीन्स जो फैक्ट्रीज से गैसेस निकल रही है, उस वजह से जो हमारी कार्स, बसेस, जो भी ट्रेन्स, रेलवे में ट्रेन्स चलती है उनकी वजह से भी गैसेस बहुत ज्यादा, जो हमारी गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मेनली गैसेस, तो वो हमारे एयर को बहुत ज्यादा प्रदूषित कर देती है, मीन्स पॉल्यूट कर देती है। अब मैं बताऊंगी कि जो एयर पॉल्यूशन है वो हम कैसे रोक सकते हैं। अगर हम ज्यादा से ज्यादा ट्रीज उगाएंगे, प्लांट उगाएंगे, तो क्या होगा, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड के ही अंदर आती है मोनोऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैसेज होती है, तो वो क्या करते हैं, जो प्लांट्स है वो फूड बनाने के लिए लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो उससे क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम होने लगेगी, और उसके बाद जो प्लांट्स है कार्बन डाइऑक्साइड जब फूड बनाएंगे, तो उसके बाद जो हमारी ऑक्सीजन होती है उसको रिलीज भी करते हैं, सभी जानते हैं। तो अब ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ ऑक्सीजन ही रिलीज करते हैं, नाइट के टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करते हैं। तो इसलिए ये भी कहते हैं कि रात को किसी भी ट्री के नीचे नहीं सोना भी नहीं चाहिए, लेटना भी नहीं चाहिए। अब मैं बताऊंगी कि जो हमारी जो फैक्ट्रीज होती है, अगर हम उन्हें नॉन रेजिडेंटल एरियाज में सेटअप करेंगे, मीन्स जहाँ पे लोग नहीं रहते, तो उससे बहुत बेनिफिट होगा। मीन्स जो फैक्ट्रीज है लोगों से दूर हो जाएंगी, तो जो लोगों को पॉल्यूशन की वजह से जो डिजीजेस होती है वो कम होने लग जाएंगी, और जो हमारे फ्यूल्स होते हैं ना, फ्यूल्स और प्रोडक्ट्स, वो हमेशा हमें इको फ्रेंडली इस्तेमाल करने चाहिए। मीन्स जो जो हमारे पूरे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छे हो। अब मैं बताऊंगी कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जो कि एयर की पॉल्यूशन से हो रही है। मींस हमें बताया था कि हमारी स्ट्रेटोस्फीयर जो लेयर है उसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, जो कि अर्थ के अल्ट्रावायलेट रेस को हमें हमारे अर्थ तक पहुंचने में रोकती है। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब वो उसकी मात्रा ज्यादा हो जा रही है हमारे एयर में, तो उससे क्या हो रहा है, जो हमारी जितना भी टेम्परेचर है वर्ल्ड का वो इंक्रीज हो रहा है, तो उससे ओजोन में छोटे छोटे होल्स होने स्टार्ट हो गए, तो वजह से जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेजेस है वो ओजोन लेयर के द्वारा अंदर आनी हल्की हल्की शुरू होगी। तो इस वजह से अगर हम ज्यादा से ज्यादा ट्रीज उगाएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो मेन सोर्स है ग्लोबल वार्मिंग का वो कम होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो उससे ग्लोबल वार्मिंग की भी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी हमारी नियंत्रण में आ सकेगी, मतलब तो उससे वो कम होगी। तो हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है कि हम सबसे ज्यादा ट्रीज उगाए। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को खत्म करती हूँ, और मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूले, जिससे हमारे देश के कोने कोने तक यह वीडियो पहुंच सके, और जो भी एयर
एयर के बारे में जिन लोगों को भी कंफ्यूजन होता है, बच्चों को भी होता है चैप्टर्स में, तो वो अच्छे से क्लियर हो सके। हाँ, मुझे लिटोस्फेयर के बारे में पूछना है। किसके बारे में? लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर आज हमारी सॉइल की लेयर होती है, मींस वो सॉइल में प्रेजेंट होती है। ओके, थैंक यू। वेलकम।